वीडियो थंबनेल स्टूडेंट तुसी देख लिया केड़ी प्रोफाइल नू 100% वीजा मिलूगा। की चीज कोर्स रेलीवेंट कोर्स रेलीवेंसी एट इट्स बेस्ट। पर्पस ऑफ विजिट थोड़ा सही नहीं हैगा। पर्पस ऑफ विजिट किस तरीके नाल सही होगा। दूजा गैप जस्टिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। गैप जस्टिफिकेशन जो करना। तीजा स्टेटमेंट ऑफ SOP कमेन की है। हुण आपां गल करिए PT दी। PT दा 10 to 2 or 3 बच्चों का ही वीजा आ रहा है। सिर्फ उन्होंने आ रहा है जिन्हों की हाँ जी। सत श्री अकाल जी। उम्मीद करता तुम सारे जने चढ़ती कला चौके तंदुरुस्त होंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो इतिहास से बसते रहो। वीडियो का थंबनेल स्टूडेंट तुम देख लिया केड़ी प्रोफाइल नू 100% वीज़ा मिलेगा। केड़ी प्रोफाइल का वीज़ा सक्सैस रेट काफ़ी ज़्यादा है। हरेक बच्चा कैनेडा स्टडी करना चाहता कोई भी रिजैक्शन नहीं चाहता। मैं थोड़ी जगह पर होव मैं भी एक पॉजिटिव अप्रोच लैके ही स्टैप अप करूँगा। आफ्टरऑल तुहाडा फ्यूचर है तुहाडी लाइफ है। तो इसका मेन चीज़ा ही मैं तुहानू डिस्कस करूँगा। बहुत वीडियो मैं डिस्क्राइब भी किया। सो अज का जो मेन टॉपिक अपना यही होगा। सब तो पहली चीज़ कोर्स रेलीवेंसी एट इट्स बेस्ट। जिस का रीज़न आ जाता तुहानू रिजैक्शन दे विच पर्पस ऑफ विजिट थोड़ा सही नहीं हैगा। पर्पस ऑफ विजिट किस तरीके नाल सही होगा। अगर तुसी कोर्स सही लिया होगा कोर्स तुसी सही चुनिया होगा तुहाडी एजुकेशन दे रिलेटेड होवे कोर्स उस तो बाद एजुकेशन तो बाद तुहाडा एक्सपीरियंस जो इंडिया दे विच है उस दे रिलेटेड होवे तुहाडा कोर्स। जो तुहाडा एक्सपीरियंस है तुसी कोई कमाई करते होंगे उहदीआं प्रॉपर ITRs वगैरह ने बहुत प्लस पॉइंट है। तुसी एक रीज़न तुसी मतलब मेरे कहने का मोटिव यह है कि एक तुसी कारण डिफाइन करना होंदा वीज़ा ऑफिसर नूं कि तुसी ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहे हो। वाई चूजिंग दिस कोर्स। चूज़ योर कोर्स। ठीक है जी। जो भी तुहाडा कोर्स आ कोर्स रेलीवेंसी एट इट्स बेस्ट। कोर्स नूं बहुत तरीके नाल देखो। कोर्स बारे में वीडियोज़ बहुत बनाई हुई ने तुसी देख भी सकते हो। दूजा गैप जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। गैप जस्टिफिकेशन जो तुसी कोर्स लैन जा रहे हो तो वो चीज़ तुसी जरूर डिफाइन करनी है जी कि तुसी वो गैप तुसी क्यों किया। रीजनेबल है गैप तुहाडी स्टडी तो बाद उही गैप तुसी लैन जा रहे हो। नीड नॉट टू वरी। टेंशन लैन की कोई लोड नहीं। बट थोड़ा गैप थोड़ा जिहा डिफरेंट है। कोर्स जो तुसी लैन जा रहे हो वो गैप दे रिलेटेड है। फिर भी टेंशन लैन की लोड नहीं। टेंशन लैन की लोड़ होंदी है स्टडी इत्थे होर होंदी है। गैप अपना कोई होर होगा। तीजा थां जो आप कोर्स लैन जा रहे हो टोटली डिफरेंट है। हाउ कम के वीज़ा ऑफिसर तुहानू वीज़ा इशू करूगा। सो ये चीज़ का ध्यान रखना। तीजा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP मेन की है। मैं 6-7 महीने तो बहुत वीडियोज़ बनाई ने। हूँ बच्चों मैं खुशी है भी पता लग चुका कि SOP किन्नी क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% जिन्हें दी बच्चे की परसेंटेज है मतलब आप कह लिए कि क्रीम प्रोफाइल है 99% या 100% कह लो 6.5 बैंड या 7 बैंड ने PT IELTS चों भी बहुत अच्छी प्रोफाइल है उन्होंने भी SOP बेस ही वीज़ा मिलते हैं जी। SOP नू नेगलैक्ट ना करो। आफ्टरऑल अगर एक डॉक्यूमेंटेशन लगाई हुई है डॉक्यूमेंट IRCC वीज़ा ऑफिसर तो स्टूडेंट दे इन बिटवीन जिहड़ी यह एक गलबात होंदी है ये वो डॉक्यूमेंट है जी जिन्हों आप SOP कहने इनू दिमाग च बिठा लो। सो इनू फॉर ग्रांटेड ना लो। इनू 10 बार पढ़ो। जो अपने इंटेंशन ने उसनों इस दे विच डिलीवर करो लिखो फिर वीज़ा ऑफिसर नू अगे प्रजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ जो तुसी वीज़ा फाइलिंग करनी है। SOP नू नगलैक्ट करोगे वीज़ा ऑफिसर ने तुहाडे जिहड़ा तुहाडे वीज़ा नू नगलैक्ट कर देना। फिर आप दोबारा करते हैं फिर आप फिर दोबारे की कर देने SOP कमी ना हो जाए जी। कोर्स देख लो तो बैटर यह है ये चीज़ा पहला कर लो। मेरे कहने का मोटिव यह नहीं है भी भाई मूँह मचा लिए दोबारे आप फूका मार दें। मेरे कहने का मोटिव यह है भी जो बाकी ने मूँह मचा चुके हैं जीवा मचा चुके हैं सॉरी टू से बट आई हैव टू यूज़ दिस लैंगुएज। जो प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्यों मचावा भाई मूँह आपका। मैं वो चीज़ा देख सकता तो मैं ऑलरेडी ज़्यादा मैं फूक मार के चाह पीऊँगा जावा चाह पीऊँगा ही नहीं जी। मैं लस्सी जो ठंडे दुध वाला हो जाऊँगा। कहने का मोटिव मतलब जो चीज़ा ने तुसी प्रॉपरली एक लॉजिकल तरीके प्रैक्टिकल वेज ही चलना जी। थोरेटिकल चीज़ों तुम्हें छड़ देना। तो SOP की मेन की है। हूँ आप गल करिए PT की। PT का 10 to 2 or 3 बच्चों का ही वीज़ा आ रहा है। सिर्फ उन्होंने आ रहा है जिन्हें PT का स्कोर अगर 6 से 7 है 6.5 से 7.5 या 8 है जिन्हें प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। बहुत घट PT ते बच्चों वीज़ा मिल रहा है जिन्हें फाइल बहुत कमज़ोर है। मैं थोड़ा सीधी जी गल दस रहा जेड़े बच्चों की फाइल बहुत अच्छी है एक एवरेज तो अच्छी फाइल है PT का स्कोर बहुत अच्छा है
इनकम सोर्स फाइनैशियल कोई छेड़छाड़ नहीं की फाइनैशियल का प्रोपर ध्यान दिता है, ITR प्रोपर ने, कोर्स सही है, कॉलेज कैंपस सारिया चीज़ें सही ने, एक भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा नहीं होना चाहिए। एक SOP के खास तौर पर कोई कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तुसी, मतलब तुसी प्रॉपर तरीके डिलीवर कर रहे हो चीज़ों, फिर तुहानू PT का वीज़ा नहीं रोक सकता कोई। अगर PT दे तुहाडी रिफ्यूजल आ जाती है, रीअप्लाई विद स्ट्रोंग SOP, दोबारे चीज़ों देखो, शायद कोई चीज़ पहला रह गई होवे, तुहाडे एजेंट वालों ना दसी गई होवे, जां तुहाडे तो खुद ना देखी गई होवे, जां एजेंट वालों दसी गई जांदी है चीज़ आपां इग्नोर कर दिंदे, आपां कहिंदे वी जाण दो चल सो चल। सो वो चीज़ नूं देख के रीअप्लाई करोगे, SOP स्ट्रोंग करके दोबारा तुसीं अगे लगा सकदे हो। फंडस उपर, फाइनैशियल उपर, SDS नॉन SDS उपर मेरी वीडियोज़ बहुत पई देख सकते हो। स्टूडेंट्स एक चीज़ होर, मैं बेकार दी पॉजिटिविटी च बिलीव नहीं करता भी प्रैक्टिकल नूं छड के आपां उह पॉजिटिव कर दे रहीए जिहदे पहलां सी कि इंटरव्यूज़ नहीं, कोई इंटरव्यूज़ नहीं आई हैं जी। वो सिर्फ जिहड़े भी यूट्यूब दे बोलदे ने, सिर्फ उन्हां नूं इह हुंदा भी जे असी अगेंस्ट कोई वीडियो पा दी तां मेरे जिहड़े क्लाइंट ने 20-50 जिन्ने भी क्लाइंट ने वह मेरी जान खाणगे भी सर इंटरव्यू अगेंस्ट सानूं तां नहीं आउणगीआं, तां उहनां दा मोटिव इह नहीं हुंदा भी तुहानूं नॉलेज देण। उहनां कोल दो ऑप्शन ने, जां तां तुहानूं नॉलेज इक जेन्युइन नॉलेज देणगे, जिहड़ी नॉलेज जनरल है सारे लिए है, स्पैसीफिक नहीं हैगी, जनरल है तुहाडे लिए है, मेरे लिए है, सारे लिए है, तो बाकी उन्होंने क्लाइंट्स लिए भी है, जिहड़े नवे ने बच्चे उन्होंने भी है, जिहड़े उन्होंने सुनते हैं आउण दे इच्छुक ने उन्होंने भी है। एक स्पैसीफिक वो होगी इनफॉर्मेशन उन्होंने उस हिसाब की देनी होंगी है, चाहे PT नूं लैके, चाहे हुण भी PT नूं लैके, नहीं जी कोई नहीं फलाने धमकानी आऊगा जी, पीजा आऊगा, वो आऊगा, है ना, कोई नैगेटिविटी नहीं, रस्ता जी बड़े पॉजिटिव बैठा, थोड़े पॉजिटिविटी तो नहीं कुछ लैना, बच्चे जेनुइन चीज़ दसो, इन्होंने जेनुइन चीज़ देखनी है, ये परख करनगे जदों इन्नी दूर जाके पढ़ सकते हैं, तो इतने एक चंगे एजेंट, चंगे एजुकेशनल कंसल्टेंट नूं भी परख कर लैणगे, एडे बेवकूफ नहीं है, बड़े समझदार ने, हुण समा बदल गया, तुसीं भी बदलो। तो इन्होंने फिर ये देखना होंगे भी मेरे को जी PT का क्लाइंट है बहुत, मेरे को 25-30 क्लाइंट ने, चलो 100 जिन्ने मर्जी, मेरे को PT का क्लाइंट बहुत है, तो मैं जे कहता PT के वीज़ा नहीं आ रहे, उन्होंने फाइल वापस ले लेनिया ने, तो मैं तो कह दूंगा जी पॉजिटिव रहो, ये चीज़ा रहो, य चीज़ नहीं होंगी। सो क्लाइंट्स मेरे को भी PT के बहुत ने एज़ कंपेरेटिवली टू आयस, बट मैं चीज़ा हुई बोलता जो बिल्कुल सही ने, अद्धे बच्चों की अज SOP बनानी है, अद्धे बच्चों के कल मतलब फाइल लॉज की है, एक दो दी अज फाइल लॉज करनी ऑनलाइन टाइम च करनी है। मेरे कहने का मोटिव यह है PT का थोड़ा जा सक्सैस रेट घट है, मैं बिल्कुल ही गल कहूँगा जो बच्चे बिल्कुल सही है वाहगुरू हाजर नाजर करके, मैंने कोई परवाह नहीं, ना ही क्लाइंट की, ना ही मेरे लोगों की, मैं बिल्कुल स्पष्ट जी जानकारी थोड़ा दिता रहा रहूँगा, तो जो भी वाहगुरू ने सुवास बख्शे ने जो तक मैं थोड़ा चंगी नॉलेज ही प्रोवाइड करता रहूँगा, घट्टो घट्ट तुहानू लगे भी हाँ यार भी अजयपाल सिंह काले के नाम का कोई बंदा है जिन्हों असं यूट्यूब पर देखते रहे हैं भी वह पक्षपात ने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिता जो भी बिल्कुल सही नॉलेज है, बट बशर्ते तुसीं सही चलो, गलत पास चल जाने हो फिर मैं फील होंदा 2-4 बच्चे करके पहला गड़बड़ जी, तो करके मैं कहना सारों नहीं कहना बहुत नॉलेज रखते हो तुम हूँ SOP वाला ध्यान रखते हो, बोलते हो भी सर SOP की वीडियो देख के असी SOP बनाई साडा वीज़ा है, मैं बहुत खुशी है, धन्यवाद तुहाडा ते तुहाडे धन्यवाद, थैंक यू, मैंने लगता मेरी मेहनत रंग लई, ठीक है। सो बाकी कर रहे हैं जी, मैं तो जिन्ने जो गएगा तुहाडे प्रेम प्यार नाल है, बाकी आपदे क्वेश्चन पुछदे रहो, जदों मैनूं टाइम लगेगा मैं वीडियोज़ बच्चे बना दिंदा हुंदा, बट थोड़ा जिहा टाइम स्कैजूल करके आई एम रियली सॉरी, बट पहला जिन्नी वीडियोज़ नहीं आ रही, बट मैं कोशिश करता रहूँगा कि हुण सैमीनार्स भी हरेक शहर टू शहर लैके आवांगे, सैमीनार हाले पातना है, तो एक एजुकेशनल परपस लई है भी जो भी तुहाडे डाउट्स होण तुहाडे आउण, ठीक है। सो PT नूं लैके साडे वालों प्रोपर पूरी होगी, जो भी मैं वीडियो डिस्कशन किया है बच्चे उही मैं क्लाइंट्स नाल करदा, उही जिहड़े अगे क्लाइंट्स आउणगे उन्हां नूं दस्सिया जांदा, ये नहीं हैगा भी वीडियो ते होर अंदर होर बाहर होर ये होर वो झूठी जिंदगी अपनी चाहते, थोड़ा जिहा सक्सैस रेट थोड़ा जिहा डाउन हैगा तो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम लो, मतलब जे तुहानूं लगदा थोड़ी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तद PT करो, PT दा स्कोर बहुत अच्छा लैके चलो, बाकी कोर्स रेलीवेंसी एट इट्स बेस्ट, बाकी SOP दे विच गड़बड़ ना रखो, SOP बहुत स्ट्रोंग होनी चाहिए, अगर रिजैक्शन आ जाती है तो स्ट्रैस ना लो, पहली गल तो पहली बार ही वाहिगुरू नूं ध्याओ भी भाई पहली बार च वीज़ा आ जाए, अगर कुछ डामाडोल हो जाता हों तो दूजी बार च SOP नूं दोबारे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ऑटोमेटेड रिजैक्शन भी आ रही हैं, ठीक है जी। बाकी नैक्सट वीडियो गल करेंगे, टिल दैन टेक केयर, गुड बाय। जो भी थोड़ा सवाल होवे निजित नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं खुद ही तुहानूं जवाब दिंदा हुंदा, नैक्सट वीडियो गल करेंगे, टिल दैन टेक केयर, गुड बाय, रब रखा।